नील, ये सब क्या है? क्या वो पसंद नहीं है? वो आज एक्चुअली हमारी स्पेशल रात है ना, क्या कहते हैं उसे, सुहाग रात। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए तुम्हारे लिए। मुझे इन सब स्टुपिड चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें यार, ये दिन बार बार तो ना आता है। ओप्स, आई मीन रात, सुहाग रात। वैसे अगर तुम्हें पसंद ना हो तो मैं ये कैंडल्स बुझा देता हूँ। वो क्या है ना, रूम के इलेक्ट्रिक बोर्ड में कुछ दिक्कत आ गई है, इसी वजह से ये इतना अंधेरा हो रखा है। और मैंने ना, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ना बहुत मेहनत करके थोड़ी बहुत डिम लाइट जला दी है यहाँ पे। जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया। और प्लीज नील, स्टॉप ऑल दिस। कल पग फेरे हैं और मुझे माँ के यहाँ जाना है। यार एक तरफ तुम्हें शादी शादी नहीं लगती, तुम्हें सुहाग रात एक ऐसी चीज लगती है जिसमें तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर पग फेरे की रस्म तुम्हें जरूर करनी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बेबी ने बोला इसीलिए कर। मुझे लगा कि तुम कुछ प्लानिंग कर। नहीं, वो माँ ननो के यहाँ है ना, तो मैं ननो के यहाँ जाऊँ। क्यों? एक काम करो, उन्हें नीला आंटी के यहाँ बुला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई प्रॉब्लम है तो एक काम करता हूँ, मैं उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ। हाउ इज दैट? क्या हुआ, डिसअपॉइंट कर दिया मैंने तुम्हें? यू नो, इससे बेटर प्लान की उम्मीद कर रहा था मैं तुमसे। एक आइडिया दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझसे ना अच्छे से बिहेव करना शुरू कर दो। हो सकता है शायद मैं तुम्हें इस घर से निकलने में तुम्हारी मदद कर दूं। मैं स्टडी रूम जा रहा हूं, तब तक तुम कुछ ऐसा प्लान करो जिसे मैं फ्लॉप ना कर सकूं। बस इसे किसी तरह नील को खिला दे, ये खाते ही नील बेहोश हो जाए। कल से मुझे दूध देने का जिम्मा तेरा। ये लो, बेबी ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब इससे पहले कि तुम्हें लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स पे लेक्चर दो, तो एक क्लैरिफाई कर दूं कि बेबी ने भेजा है सिर्फ इससे लाई हूं तुम्हारे लिए। पीना है तो पियो, वरना कोई बात नहीं। इसका मतलब अनन्या ही अभी है। नहीं, अभी अभी मेरे मन नहीं। Thanks anyways. यही सही मौका है, हाथ से जाने नहीं दे सकती। नील ने अगर ये दूध नहीं पिया तो कल भाग ही नहीं पाऊंगी मैं यहां से। कल रात को क्या हुआ? गुड मॉर्निंग वाइफी।
कल रात के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़ी देर तक सोगी। गॉड, मैं भी कितना स्टूपिड था ना, खुद को तुमसे शादी के लिए कोस रहा था, लेकिन कल रात के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत था। मेरी तो लॉटरी निकल गई है यार। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतनी कट टू कट अनन्या की इतनी रोमांटिक साइड भी हो सकती। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, यू नो। वाह, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानते हो ना कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। बेबी, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा फायदा उठाते हुए? फायदा तुमने मेरा उठाया, तुम आई थी मेरे पास। तो क्या? तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना मुझे, तुम्हें ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। क्या? चालाक मत बनो, अच्छे से जानते हो तुम मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। हाँ तो इसमें गलत क्या है? प्रॉब्लम है क्योंकि मैं नशे में थी। नशे में कैसे? क्योंकि मैंने जो तुम्हें दूध दिया था ना उसमें नशे की। दूध में? अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं, मैं एक पुलिस वाला हूँ और एक गुनहगार के मुंह से सच कैसे निकलवाना है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। दूसरी बात, एक सच्चा मर्द हूं, औरत की इज्जत कैसे करनी है ये भी मैं बखूबी जानता हूँ। मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात, जब भी तुम कोई प्लान करो तो उससे पहले अपना होमवर्क कर ले। मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं और बेबी ये बात अच्छी तरीके से जानती हैं, इसीलिए वो कभी भी मुझे दूध देंगी नहीं। और रहा सवाल दूध पीने का, वो मैंने पीते ही फेंक दिया था, राइट देयर। और इसीलिए मुझे कोई असर भी नहीं हुआ।